बोल ले तुम। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे A3 का लोगो लगा दिया है, ऊपर से यहाँ पे कॉमर्स क्लास। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मनोज धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस में, और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। आज हम इस बेस पे डिज़ाइन बनाएंगे। क्या है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से जो कुछ कोचिंग्स है, तो उन्होंने क्या किया है, खुद की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाएंगे। एंड जो हमारा पिछला जो लेक्चर था, वो था कि हम कैनवा के थ्रू ही, कैनवा के जो डिज़ाइंस हैं उनके थ्रू अपनी डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, तो उसका लेक्चर पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो खुद से ही क्रिएट करेंगे, मतलब हम कैनवा का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैनवा का यूज़ सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए करेंगे, बाकी उसके जो सजेशन है हम उनका यूज़ नहीं करने वाले हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देन सबसे पहले पहले हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हम किसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। तो ऑनलाइन क्लासेस का सीधा सा मतलब है कि उसमें हमें फ़ोन दिखाना पड़ेगा, हमें लैपटॉप दिखाना पड़ेगा जो उस ऑनलाइन से कनेक्ट कर पाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करके एक अच्छी सी डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका अपने बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। ऐसे मैं इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अगेन। ओके, ठीक है, अब हम जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, इतना इनफ है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हो चुका है, ये हमारा बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक इनके आइकन भी देने हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे सिंपल सा एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो, एलिमेंट्स के अंदर आप जाओगे ना, तो आप इतने एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें आपको, और इतने काम के होंगे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो जब भी डिज़ाइन बनाओ एलिमेंट्स का यूज़ ज़रूर करो। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, बस इतना काफ़ी है ना। एंड इसको नीचे की साइड लेके आ गया, एंड इसको ब्लैक कलर दे दूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ें हैं वो सेट कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ तक की डिज़ाइन बना ली है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो कोचिंग का नाम है वो मैंने सबसे पहले लिख दिया है। ठीक है, A3 कॉमर्स क्लासेस, एंड उसके आइकन वगैरह मैंने सब लगा दिए, लोगो वगैरह भी लगा दिए। ठीक है, अब मैंने एलिमेंट्स में यूज़ किया है। एलिमेंट्स में मैंने एक तो यहाँ पे एक एलिमेंट का यूज़ किया और उसको येलो कलर दिया है, और यहाँ पे दूसरे एलिमेंट का यूज़ किया है उसको डार्क रेड कलर दिया है और वाइट दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट पट्टी जा रही है। ठीक है, अब ये मैंने दो क्यों लिए हैं ये मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर तो क्या है, जो कंटेंट है, देखो कंटेंट के साथ पोस्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो उनको, कि हम कंटेंट के हिसाब से जमाए कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा कंटेंट वो लाइव क्लासेस होगा, और हम उसकी डेट वगैरह देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और मेन लाइन लिखनी है, मतलब मेरे पास दो मेन लाइन है। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे दोनों ही हाईलाइट करनी है। तो दोनों हाईलाइट करने के लिए मैंने दूसरी पट्टी का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, एक का यहाँ और एक का यहाँ, वरना मैं इसमें भी ले सकता था, पर मुझे दो चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो दो चीज़ों के लिए मैंने इन दोनों का यूज़ किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपने फेसबुक और इंस्टा का जो लिंक है वो दूंगा, और उसके अलावा एड्रेस वगैरह दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है फ़ोन की, कि हम फ़ोन में सारी चीज़ें कैसे चढ़ाएं। तो फ़ोन का जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं अलग से एक स्क्रीन लूँगा। ठीक है, और जो ये है इसको तो डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, एंड हम यहाँ वापस से एलिमेंट में जाएंगे, जो ये होगा पार्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और
स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ गए इजीली, यहाँ पे एक फ़ोन का आइकन है, यहाँ पे लैपटॉप का आइकन भी है, टीवी का आइकन भी है, हमारे पास एलिमेंट में बहुत सारे आइकन है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें हम डायरेक्ट फोटो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ठीक है, ओके, और इसको बड़ा कर दिया फ़ोन को। बड़ा इसलिए क्योंकि हम फ़ोन के अंदर जो कोचिंग की डिटेल है वो देंगे, तो उस हिसाब से फिर हमें फ़ोन की साइज़ तो बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ हमें देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, जो फ्रंट दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अगर आपको यही सही लग रहा है तो इस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी से ही डाउनलोड कर रखी है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे लॉगिन वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ इतना पार्ट, मुझे सिर्फ लॉगिन का पार्ट चाहिए, इसको कर दिया, ठीक है। एंड जो बाकी की डिज़ाइन है वो रेडी कर देंगे और देन फिर इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जैसे लॉगिन हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमें कोचिंग का नाम देना है तो हम नीचे जाएंगे, इन कोचिंग का नाम वहाँ से ले लेंगे, A3 कॉमर्स क्लासेस, या हम ऊपर से भी अपना जो लोगो है, ठीक है, उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, ठीक है, और यहाँ नीचे गया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, सिंपल, बड़ा किया, ठीक है, इसको सेट कर दिया, ओके। तो अगली स्क्रीन जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे A3 का लोगो लगा दिया है, ऊपर से यहाँ पे कॉमर्स क्लासेस लिख दिया है, जो लॉगिन का फोटो था वो यहाँ लगा दिया है, ठीक है, इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड देन इसको छोटा करो, मतलब कॉपी कर लो यहाँ से और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, सिंपल सा काम है, ठीक है। और अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हो तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैंने लगा दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब हमें लिखना है लाइव क्लासेस है हमारी, और जो दो मेन लाइन है, एक तो यूँ है कि ये लाइव सेशन अभी तक चलेगा जहाँ तक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बाद हमारा जो मेन सेशन स्टार्ट होगा वो भी हमें लिखना है, ठीक है। तो हम इन दोनों जगहों पर क्या यूज़ कर देंगे, तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो मैंने अपनी पूरी डिज़ाइन रेडी कर ली है बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने जो है जो कोचिंग का नाम है वो लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी दो मेन लाइनें थी, एक तो लाइव क्लासेस के बारे में बताना था और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में बताना था, मैंने दोनों को ही हाईलाइट कर दिया है। एंड देन यहाँ पे हमने डेट लिख दी है 20 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होने वाली है, एंड यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये फ़ोन का आइकन दिया है, ठीक है, ताकि लोगों को लगे लाइव है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी दिया है CA फाउंडेशन लाइव क्लासेस, ठीक है। एंड यहाँ मैंने एड्रेस दिया है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी दिए हैं। वैसे ऐसा अगर हम इनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें व्हाट्सएप वगैरह पे देना हो या हम डेफिनेटली किसी ना किसी को ईमेल वगैरह के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पे हम हमारे इंस्टा वगैरह देते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टा एंड फेसबुक के लिंक भी दिए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरह से हम एक सिंपली एक अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो यही आई है इस फ़ोन में, लेकिन इस फ़ोन का तरीका मैं बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले इस फ़ोन को बड़ा कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ही अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं अगर आपके आसपास हैं तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, एलिमेंट्स की मदद कीजिए, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।